हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय फैट रीजन। अभी हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो डिफेक्ट जो होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर फाइव टाइप्स के हैं, बायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, प्रेस बायोपिया, एस्टिगमेटिज्म एंड कैटारेक्ट। ये फाइव जो डिफेक्ट है वो हमारे सिलेबस के अंदर है। और आइज के फाइव डिफेक्ट से हम किस किस तरह से इनके क्या क्या कोशिश होते हैं और उनके लिए हमें क्या क्या रेमेडीज दी जाती है इनको करेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं, मायोपिया एंड शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस क्या होता है कि मायोपिया के अंदर हमारे क्या होता है, जो नियर बाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे को क्लियर दिखाई देगा, बट जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमारे को क्लियर दिखाई नहीं देता है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसका मीन्स तो हो गया मायोपिया। मायोपिया का मीन्स हो गया नज़दीक की कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब पास की कोई चीज़ है वो हमारे को साफ दिखाई देगी, और दूर का कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे को क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब हो गया मायोपिया। अब इसका कोजेस क्या होता है कि जो आई लेंस है इसका कर्वेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कर्वेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि फार पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, तो रेज आती है तो नॉर्मल आई के लिए, पहला जो बनाया मैंने नॉर्मल के लिए बनाया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी रेज आती है इन्फाइनिटी से, वो डायरेक्ट कहाँ पर, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, रेटिना के ऊपर। बट अब डिफेक्ट हो गया, मान लो मायोपिया हो गया, तो उस कंडीशन में उसको पास की चीज़ तो दिखाई दे रही पर दूर की चीज़ दिखाई दे रही, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इन्फाइनिटी से आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर इस लेंस की कर्वेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होगा मतलब ये बढ़ जाएगा, तो ये जो लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी इट मीन्स ये कन्वर्ज हो गया ज़्यादा, ये रेज क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तो इमेज जो है वो रेटिना पे न बनकर कहाँ पर बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है। अब रेटिना से पहले बन गई तो हमारे को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मैंने बताया था कि जब भी इमेज रेटिना पे बनेगी तो ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अब इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे इमेज बन गई तो इस कंडीशन का कोजेस क्या हुआ, कर्वेचर बढ़ गया। कर्वेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कन्वर्जिंग पावर लेंस की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बनने लग जाएगी। अब इसके लिए हम रेमेडी क्या देंगे, हम रेमेडी के लिए हमको क्या करना है कि कन्वर्जिंग पावर को क्या करना है, कम करना है। कन्वर्ट जल्दी हो रही है तो कन्वर्ज कम होए और रेटिना के ऊपर जाकर वो इमेज बने। तो उस कंडीशन के अंदर रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। अब हमने बताया था कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करेगा। तो ये यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा और फिर कॉन्वेक्स से जाने के बाद जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, वापस रेटिना के ऊपर। इस लेंस को नंबर के हिसाब से सेट किया जाता है कि इतने नंबर का लेंस लगाते हैं उस हिसाब से जो इमेज है वो कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने, और उस कंडीशन में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस लगाया जाता है रेमेडी के लिए, कॉनकेव लेंस। सेकेंड आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमारे को दूर का ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देता है, बट कोई पास की चीज़ है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, वो हमारे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए क्या होता है, उसके अंदर उस कंडीशन में पहला जो कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट से हमारे को नॉर्मल आई से तो क्या होगा, वो क्लियर दिखाई देगा, बट देखिए जो दूसरी कंडीशन है अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो कोई नियर का जो ऑब्जेक्ट है, नियर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लगा देते हैं लेंस, इसमें आई लेंस का कर्वेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया तो नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है
वो इमेज कहाँ पर बनाएगा, रेटिना के बाद, बिहाइंड द रेटिना इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे की तरफ बनेगी। अब इस कंडीशन में देखिए कर्वेचर क्या हो गया इसका, कम हो गया, कर्वेचर कम होने से फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, तो उस कंडीशन के अंदर जो इमेज होगा वहाँ पर बनेगी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे की तरफ बनेगी। अब रेटिना के पीछे की तरफ बनेगी तो हमारे पास कोई चीज़ है वो क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद हमारे को क्या होता है, ये कॉन्वेक्स क्या करेगा, इसको वापस क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। अब कन्वर्ज करके उसी हिसाब से लेंस की जो नंबर है उसके हिसाब से सेट करते हैं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लगाया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना के ऊपर। तो ध्यान रखना हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइड केस, मतलब दूर की चीज़ साफ दिखाई दे रही है, पास की चीज़ साफ दिखाई दे रही है। कोजेस क्या होता है, इसका जो कर्वेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज होगा तो इसका कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होते ही इमेज कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। इसकी रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके वापस इमेज को कहाँ बनाएगा, रेटिना के ऊपर। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे को पास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। फिर आता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारा लेंस और सीनरी मसल्स है वो वर्क करना कम कर देते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इतना फास्ट नहीं होता, इस वजह से जो एज वाले लोग होते हैं उनको पास की और दूर की दोनों ऑब्जेक्ट ही क्लियर दिखाई नहीं देते। तो उस कंडीशन के अंदर उनके जो लेंसेज लगाए जाते हैं, स्पेक्टेकल्स लगाए जाते हैं, उनके अंदर बाईफोकल लेंस लगाते हैं। बाईफोकल का मतलब जो लेंस लगाएंगे, जो स्पेक्टिकल लगाएंगे उसमें दोनों तरह के लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, तो पास की और दूर की चीज़ देखने के लिए दोनों तरह के लेंस लगाए जाते हैं। फिर आता है एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, पर्सन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ दिखाई नहीं देती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती है। इस कंडीशन के अंदर उसको हम सिलेंड्रिकल लेंसेज लगाते हैं उसके स्पेक्टिकल्स के अंदर, जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों साथ दिखाई दे और अलग अलग दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, एज बढ़ने के साथ या फिर आंखों के अंदर धूल वगैरह जाने की वजह से हमारा जो लेंस होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं लेंस के ऊपर, तो हमारे को प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो उस कंडीशन में आजकल मॉडर्न टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, हम उस लेंस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसकी जो दूसरा लेंस जो आर्टिफिशियल लेंस है वो फिट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं IOL, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है किसके अंदर, कैटरेक्ट डिजीज के अंदर, और उससे उसको प्रॉपर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। तो ये हमारा लाइट चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।